सिंचन भाई आज ना माइकल ने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। अरे हाँ फ्रेंगल भैया पहले पार्टी में बुला लिया, उसके बाद फ्रेंगल भैया धक्के मार के बाहर निकल दिया। सिंचन माइकल ने ना भाई इस गाड़ी की वजह से हमें बाहर निकाला है पार्टी में से। अरे तो फ्रेंगल भैया उसे बुलाना नहीं चाहिए था ना यार हमको पार्टी में बुलाने के बाद फ्रेंगल भैया बेइज्जती और कर दी हमारी। हाँ सिंचन माइकल कह रहा था कि भाई ये घटिया गाड़ी तू लेके आया फ्रेंकिल, इसलिए तेरे को मैं पार्टी में से बाहर फेंक रहा हूँ। और सिंचन वो ना हमको गरीब भी कह रहा था। अरे फ्रेंगल भैया मैं क्या कह रहा हूँ यार, एक ना बढ़िया सी गाड़ी खरीद लो फिर चलो और फिर माइकल भैया को चिढ़ा के आओ। और क्या सिंचन भाई अब यही काम करते हैं। सिंचन एक काम करते हैं भाई, एक ये हमारी गाड़ी हो गई और सिंचन मेरे घर में जितना भी महंगा महंगा कबाड़ा है ना सिंचन आज उसको बेच के आते हैं। फिर सिंचन जितने भी पैसे मिलेंगे ना उसके बाद सिंचन सिमियन की दुकान से कोई महंगी गाड़ी खरीदेंगे और फिर सिंचन दिखाएंगे भाई उस माइकल के बच्चे को। और क्या फ्रेंगल भाई यार माइकल भैया को सबक सिखाना यार, सब लोगों के सामने फ्रेंगल भैया हमारी बेइज्जती कर दी। सिंचन तो टेंशन मत ले भाई, आज कुछ भी हो जाए सिंचन बढ़िया वाली गाड़ी खरीदूंगा और माइकल के बच्चे को दिखाऊंगा कि ले भाई मैं भी खरीद सकता हूँ बढ़िया वाली गाड़ी। अरे पर फ्रेंगल भाई यार एक बात बोलूं, ये जो हमारी गाड़ी है ना ये सच में यार बहुत ही घटिया है। हाँ सिंचन वो तो मुझे ही पता है, एक सेकंड ये कौन है? अरे ये तो लिटिल सिंघम है फ्रेंगल भैया, रुक इससे भी कुछ बात कर लेते हैं। ओए लिटिल सिंघम यहाँ पे क्या कर रहा है तू? अरे फ्रेंगल भैया नमस्ते भैया, मैं तो यहाँ पे थोड़ी योगा वोगा कर रहा हूँ। अरे लिटिल सिंघम के बच्चे तू कब से योगा करने लग गया? अरे पापा जी ने बोला था सुबह सुबह योगा करे कर। अरे पर लिटिल सिंघम भाई अभी सुबह थोड़ी ना हो रही यार, अभी दोपहर हो रही है। अबे चल सिंचन ये सब बात छोड़, लिटिल सिंघम तू ना एक काम कर, तेरे घर पे कोई भी महंगा कबाड़ है ना तू वो लेके आ जाए, उसके बाद हम ना भाई एक महंगी गाड़ी खरीदते हैं और भाई उसमें घूमे करेंगे। अरे फ्रेंगल भैया उसमें मुझे भी घुमाओगे? और क्या भाई जब तू भी थोड़ा हाथ बटाएगा तो तेरे को भी घुमाएंगे। हाथ बटाओ क्या मतलब है? अरे मतलब तेरे घर में कोई भी महंगा उड़ा है ना तू उसे लेके आ जा, उसके बाद मैं उसे बेचूंगा, उसके बाद पैसे मिलेंगे और फिर उसके बाद तो सिंचन भाई नई गाड़ी आएगी। अरे हाँ फ्रेंकल भाई एकदम नई गाड़ी आएगी। अरे वाह फ्रेंकल भैया फिर उस पर मेरा भी हक होगा थोड़ा गाड़ी पे। हाँ लिटिल सिंघम तेरा भी उस गाड़ी पे हक होगा। अरे फ्रेंकल भैया हम तीनों का हक होगा यार उस गाड़ी पे। चलो तो ठीक है फ्रेंकल भैया काम करता हूँ, मैं फटाफट से जाता हूँ और अपने घर से महंगा कूड़ा लाता हूँ। ये चौप का बच्चा कहाँ जा रहा है? जा तू भी जा लिटिल सिंघम चौप के साथ चले जा। ठीक है फ्रेंकल भैया मैं भी जा रहा हूँ फटाफट से। ओए चौप के बच्चे रुक जा रुक जाओ, कहाँ चले गए चौप का बच्चा? अरे ये तो गायब हो गया, चलो जल्दी जाता हूँ और घर से कूड़ा लेके आता हूँ महंगा। चल सिंचन भाई मैं भी अपने यार वो पेंट के डब्बे निकाल लेता हूँ। पेंट के डब्बे? कौन से पेंट के डब्बे? रुक सिंचन चढ़ गया, बहुत ही बढ़िया। गाइस आपको पता है मैं ना यार जहाँ पे पहले जॉब करता था ना वहाँ पे गाइस काफी महंगे महंगे पेंट के डब्बे होते थे। तो गाइस एक बार ना मैं यार अपने घर पे लेके आ गया था। ये देखो गाइस यहाँ पर ना काफी बड़ी बड़ी कैन है जिनके अंदर गाइस काफी महंगा पेंट है भाई। अगर मैं इसको बेचूंगा ना तो मेरे को ना काफी अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। चलो यार इसको फटाफट से मैं नीचे लेके चलता हूँ। और ये लो भाई अभी मैंने इसको उठा तो लिया है। वैसे यार सच में ये काफी भारी है लेकिन गाइस इतना तो मैं एडजस्ट कर ही सकता हूँ। और आज कुछ भी हो जाए भाई काफी महंगी गाड़ी खरीद के लाऊंगा और इस माइकल के बच्चे को दिखाऊंगा इसकी हिम्मत कैसे हुई यार सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे फ्रेंगल भाई यार ये क्या उठा लिया तुमने? अबे सिंचन यही तो पेंट के डब्बे। अरे बाप रे यार ये तो बहुत सारे फ्रेंगल भाई यार, बहुत सारा पैसा मिल जाएगा इनसे। और क्या सिंचन काफी मोटा पैसा मिलने वाला है। चल इसको यहीं पे रख देता हूँ जब तक लिटिल सिंघम नहीं आ रहा। अरे पर फ्रेंगल भाई तुमको क्या लगता है यार लिटिल सिंघम क्या लेके आएगा? मुझे क्या पता सिंचन, पता नहीं क्या लेके आएगा, उसके घर में कुछ महंगी चीज है भी। मुझे तो लगता है फ्रेंगल भाई यार वो ना अपने पापा की यार वो लेके आ जाएगा रिमोट कंट्रोल कर, उसके पापा की रिमोट कंट्रोल कर। अरे हाँ फ्रेंगल भाई उसके पापा भी रिमोट कंट्रोल कर चलाते हैं। चलो भगते भगते मैं अपने घर पे तो आ गया, लेकिन मेरे घर पे कोई महंगा कवाड़ा कौन सा है? मेरे घर पे तो कुछ कवाड़ा है ही नहीं जो कि महंगा हो। ये क्या, ये तो पापा की टीवी है। वाओ यार पापा की पुरानी टीवी है ये, बरसों से पापा इस पे न्यूज देखते आ रहे हैं। एक काम करता हूँ इसको फ्रेंकल भैया को दियाता हूँ, फ्रेंकल भैया से बेचेंगे, फिर फ्रेंकल भैया के पास पैसा आएगा, फिर उसके बाद फ्रेंकल भैया खरीदेंगे महंगी वाली गाड़ी। हाँ पापा को देख लेता हूँ, पहले देखता हूँ पापा घर पे है या नहीं है। काश पापा घर पे ना हो तो इस टीवी को ले जाऊंगा। अरे पापा जी तो सो रहे हैं, चलो ज्यादा हल्ला नहीं करता, चुपचाप से जाऊंगा। पापा सो ही रहे ना? पापा जी हाँ सही है, पापा जी एकदम बढ़िया सो रहे हैं, अब कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। मुझे भी फटाफट से इस टीवी को लेता हूँ और जाके फ्रेंकल भैया को देख के आ जाता हूँ। चलो इस टीवी को तो मैंने उठा लिया, काफी भारी टीवी है। फ्रेंकल भैया मैं आ रहा हूँ इस टीवी को तुम्हारे पास लेके, बिल्कुल मेरे को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो यार इस टीवी को मैं फ्रेंकल भैया के यहाँ तो लेके आ गया। अरे फ्रेंकल भैया देखो यार ये लिटिल सिंघम क्या लेके आया, ये देखो फ्रेंकल भैया ये है टीवी। अरे वाह टीवी लेके आ गया, किसकी टीवी है ये? अरे फ्रेंकल भाई ये काम की टीवी नहीं, इसे बेच डालो। ठीक है भाई यार बेच देंगे। चलो फ्रेंकल भाई यार इन पेंट के डब्बों को और इसकी टीवी को बेच के आते हैं और तुम ये खटारा गाड़ी भी बेच दो, फिर इसके बदले में फ्रेंकल भाई नई गाड़ी लेके आएंगे। ठीक है तो लिटिल सिंघम भाई तू ना हमारा यहीं पे इंतजार कर, मैं और सिंचन जाते हैं और बढ़िया वाली गाड़ी लेके आते हैं। ठीक है फ्रेंकल भाई मैं यहीं पे हूँ। तो फाइनली गाइस यहाँ पे जितना भी सामान था सारा का सारा गाइस मैंने गाड़ी के ऊपर तो रख लिया है। और गाइस अब अपने पास तीन चीज हो गई, एक गाइस अपनी गाड़ी हो गई और गाइस एक ये पेंट के डब्बे हो गए और एक ये लिटिल सिंघम की टीवी हो गई। तीनों चीज गाइस आज बेच देंगे। अरे हाँ फ्रेंकल भाई तीनों चीज बेचेंगे और काफी सारा पैसा आएगा हमारे पास। आ सिंचन तो चलते हैं। ठीक है फ्रेंकल भाई जाओ और नई गाड़ी लेके आओ, उसके बाद जाएंगे घूमने। अरे लिटिल सिंघम के बच्चे घूमने नहीं जाएंगे, पहले तो माइकल भैया को सबक सिखाएंगे उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेइज्जती करने की। हाँ सिंचन तो सही कह रहा है, बस सिंचन थोड़ी देर और रुक जाओ, उसके बाद तो हमारे पास भी काफी बढ़िया वाली गाड़ी आने वाली है। अरे पर इसे ठोक क्यों रहे हो यार? अबे सिंचन इसे तो हम बेचने जा रहे हैं भाई, अब इसे ठोके या फिर कुछ भी हो इस गाड़ी में स्क्रैच वगैरह आ जाए हमको तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। अरे हाँ ये बात भी तुम सही कह रहे हो। और गाइस आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक
लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। गाइस आज ना हम काफी महंगी वाली गाड़ी लेने जा रहे हैं फ्रैंकल भैया, यार ऐसे ठोको मत यार। अगर यार इस गाड़ी पे ज्यादा स्क्रैच आ गए ना तो क्या पता फ्रैंकल भैया इस गाड़ी का रेट कम हो जाए। चलो यार अब मैं भी अपने घर जाता हूँ, ये तो चॉप का बच्चा है। ओ चॉप तू दोबारा कहीं जा रहा? अब बात अब रहने दे, बात अब लेटल सगम मेरे आगे मत आ। आज तो बड़ा मजा ही आ गया, पूरे 12 घंटे सो जाऊ मैं 12 घंटे। अब चल के थोड़ा न्यूज देख लेता हूँ। अरे बाप रे मेरी टीवी कहाँ चली गई? अरे मेरी टीवी कहीं चोरी ना हो गई हो? ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी टीवी घर में से चोरी कैसे हो गई? पूरे 36 साल थे मेरे घर में यहीं पे रखी हुई थी वो टीवी, और आज चोरी तो चोरी कैसे हुई वो? आज मेरे को बहुत डर लग रहा है, अगर टीवी सच में चोरी हो गई होगी तो मैं न्यूज कहाँ पे देखूंगा? मेरे को तो बहुत घबराहट हो रही है आज। एक काम करता हूँ लिटल सिंगम से पूछता हूँ, लेकिन लिटल सिंगम तो घर में है ही नहीं, वो तो सिंचन के यहाँ गया था योगा करने के लिए। चलो यार भगते भगते घर में तो आ गया, जब तक फ्रैंकल भैया टीवी बेचेंगे जब तक मैं काम करता हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ, नींद भी पूरी करना बहुत जरूरी है। पापा जी जगह, पापा जी नमस्ते, पापा जी आशीर्वाद दे दो वहीं से। अरे लिटल सिंगम बेटा योगा करके आ गया? हाँ पापा जी योगा करके आ गया। बेटा एक बहुत बुरी खबर है बेटा, तुझे पता है हमारी टीवी चोरी हो गई? अरे पापा टीवी चोरी नहीं हुई पापा, वो मैंने बेच दी। क्या तूने मेरी टीवी बेच दी? हाँ पापा जी मैंने बेच दी, फ्रैंकल भैया को दे दी, फ्रैंकल भैया गए उसे बेचने के लिए। अब बेटा तुझे पता नहीं कौन बचाएगा मेरे हाथों से। अरे पापा जी मार क्यों रहे हो, टीवी पुरानी तो थी। अरे वो बेटा मेरी बहुत फेवरेट टीवी थी, ये ले ला आज का, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी टीवी बेचने की? अरे पापा जी मुझे पता नहीं था आप कितनी प्यारी टीवी है, वरना बेचता नहीं। तूने बेची तो बेची कैसे बेटा, आज तेरी बेटा हड्डी पसली तोड़ दूंगा, तेरे को इतना प्रसाद दूंगा, इतना प्रसाद दूंगा कि कभी किसी ने तेरे को इतना मारा नहीं होगा। अरे पापा जी इतना क्यों मारो, इतनी क्या बड़ी बात हो गई? बड़ी बात हो गई, आज बेटा तेरे को डंडे से भी मारूंगा। हिम्मत कैसे करी तूने मेरी टीवी बेचने की, अब मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे पापा जी और क्या कर सकते हो, एक दो थप्पड़ और मार लो, इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हो? इसका मतलब तुझे थप्पड़ खाने का स्वाद है, अभी रुक तेरे को और मार दो। अरे ये तो काफी तेज लगा पापा जी गाल पे, चुपचाप से जाके मेरी टीवी लेके आ जा, नहीं तो बेटा मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। अरे सिटी यार पापा ने तो गाली गाल पे घूसे ही घूसे बजा दिए, अब मैं टीवी कहां से लेके आऊं? अब तक तो फ्रैंकल भैया ने वो टीवी बेच भी दी होगी। अरे फ्रैंकल भैया यार ये सामने कौन खड़े हैं यार, इतने सारे लोग? सिंचन भाई ये तो पुलिस वाले हैं। अरे बाबरे कहीं हमको रोक न ले पुलिस वाले। फ्रैंकल भैया पता नहीं सिंचन क्या होने वाला है। अरे बेटे गाड़ी रोको गाड़ी रोको, लगता है यही आतंकवादी है। अरे ये तो फ्रैंकल भैया हमको यार आतंकवादी बोल रहे हैं। रुक सिंचन पूछना पड़ेगा क्या बात हो गई। अरे ये कहां लेके जा रहे हैं सामान, मुझको लगता है ये सारा सामान चोरी का है। अरे नहीं सर ये चोरी का सामान नहीं है सर, ये ना हमारा सामान है, इसको हम ना बेचने जा रहे हैं। अरे तो इस रास्ते से ही क्यों जा रहा है, ये जंगल का रास्ता क्यों चूज कर रहा तूने? अरे सर ये ना शॉर्टकट पड़ता है। अरे तुझे पता नहीं है यहाँ पे कितने कितने क्राइम होते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? अब तू एक काम कर, ये सारा सामान यहीं पे छोड़ और निकल यहाँ से। अरे पर सर ऐसे कैसे कर रहे हो यार, ये सारा सामान तो हमारा है और यार चोरी का भी नहीं है। अच्छा चोरी का नहीं है बेटा, ज्यादा मत बोले नहीं तो थप्पड़ बजा दूंगा। अरे देखना फ्रैंकल भैया क्या बोल रहा है, मेरी थप्पड़ बजाने की बोल रहा है। अब सिंचन अब हम कर भी क्या सकते हैं, सिंचन ये पुलिस वाले भाई इनकी तो बात हमको माननी पड़ेगी। तो गाइस अभी हमने सारा सामान यार नीचे तो रख दिया है। अरे पुलिस वाले सर प्लीज ये सामान हमको दे दो। अरे ये सामान अब तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा, चलो फुटो यहाँ से इस गाड़ी को लेके, वरना इस गाड़ी को भी छीन लूंगा और तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अरे यार फ्रैंकल भैया यार ये पुलिस वाले तो बड़ा गंदा यार, हमारे सामान छीन लिया। हाँ सिंचन भाई अब कर भी क्या सकते हैं। अरे फ्रैंकल भैया कार कहाँ से खरीदेंगे, मुझे क्या पता सिंचन। तो गाइस अभी ना आधा घंटा बीत चुका है और सिंचन और मैं गाइस इस रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो देखो गाइस अपनी तो गाड़ी खराब हो गई बीच में। अरे फ्रैंकल भैया हमारे साथ थूक क्या रहे, पहले फ्रैंकल भैया यार पुलिस वालों ने हमारा सामान छीन लिया, उसके बाद फ्रैंकल भैया बीच रास्ते में यार हमारी गाड़ी भी खराब हो गई। अब सिंचन मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, इसके इंजन में दिक्कत आई है या कहाँ पे दिक्कत आई है, गाड़ी और खराब हो गई। और तो और सिंचन भाई हमारे पास तो पैसे भी नहीं है जो भाई इस गाड़ी को हम सही करा सके। अरे हाँ फ्रैंकल भैया यार ये भी तुम सही कह रहे हो, सिंचन यहाँ पे पास में ये घर है, एक काम करते हैं सिंचन किसी से हेल्प मांग लेते हैं। लेकिन ये नीचे कौन बैठा है अजीब सिंचन? अरे कौन है फ्रैंकल भैया? आइयो सिंचन चल के देखते हैं। भाई ये तो काफी यूनिक इंसान है सिंचन, अरे ये तो आग लगा के बैठे हुए फ्रैंकल भैया इतनी धूप में। अरे बाप रे इसकी शक्ल देखियो सिंचन कितनी डरावनी है। अरे भाई साहब यार हमारी गाड़ी खराब हो गई यार, बीच रास्ते में पेट्रोल दे दो। पेट्रोल? अरे मैं तुम्हें पेट्रोल देने वाला इंसान लगता हूँ? अरे भाई तू हमारी कुछ तो हेल्प कर दे यार, अगर वो गाड़ी सही नहीं हुई तो हम अपने घर तक कैसे जाएंगे? अरे मैं तेरी गाड़ी देख सकता हूँ। घड़ी देख सकता है मतलब? बेटा मैं तेरे बारे में सब जान चुका हूँ, तू कौन है क्या हुआ है, अभी अभी जस्ट तेरा पुलिस वालों ने सामान छीना है ना, है ना, और अभी तू जा रहा था एक नई कार खरीदने के लिए। अरे हाँ फ्रैंकल भाई यार ये तो एकदम सच बोल रहा है फ्रैंकल भाई, जो जो हमारे साथ हुआ इसने तो सब कुछ बता दिया। अरे हाँ सिंचन भाई ये भाई कोई अलग ही इंसान है। अरे इंसान नहीं हूँ मैं, मेरा नाम है बेटा कपड़ा मैन। अरे कपड़ा मैन भाई हमारी कुछ तो हेल्प कर दे। अरे तुम्हें कौन सी हेल्प चाहिए मुझे बताओ। अरे भाई हमारी ना गाड़ी खराब हो गई, मेरे ख्याल से ये आपका घर है, आपके घर में कुछ सामान है क्या गाड़ी सही करने का? अरे मेरे घर में कुछ सामान नहीं, और पहली बात तो ये मेरा घर है ही नहीं, बता तुझे क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं। अरे यार सिंचन मुझे तो ऐसा लग रहा है ये पागल है। अरे हाँ फ्रैंकल भाई तो पागल है यार, हमने से बता दिया यार कितनी बार की हमारी गाड़ी खराब हो गई, फिर भी पूछ रहे की क्या हेल्प कर सकता हूँ। अरे बेटा तू मुझसे कुछ मांगना चाहता है तो मांग, वो मैं तेरे को दे सकता हूँ। अच्छा तू मुझे दे सकता है तो भाई एक सुपर कार दे दे। सुपर कार? ये क्या होती है, ये सुपर कार
प्रकार मुझे नहीं पता। अरे फ्रैंकल भैया मुझे ऐसा लग रहा है यार हमने इसके पास यार टाइम पास कर रहे हैं, चलो चलते हैं फ्रैंकल भैया। अरे भाई तुझे जो मुझे देना है तू वो दे दे। अच्छा चल ठीक है बेटा, मैं तुझे एक मैजिक पावर दे देता हूँ 4 घंटे के लिए। 4 घंटे के लिए मैजिक पावर? कौन सी मैजिक पावर? बेटा तुझे जो चाहिए ना तू बस उसके बारे में सोच लियो, फिर बेटा वो तेरे पास आ जाएगा। लगता है सिंचन ये ना हमारा पागल बना रहा है, चल चलते हैं सिंचन इसके पास। ये क्या हुआ? अरे बाबरे फ्रैंकल भैया यार वो तो अचानक से गायब हो गया। अरे सिंचन मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई सच में उसके पास कोई मैजिक पावर है। अरे हाँ फ्रैंकल भैया यार इसका मतलब फ्रैंकल भैया हमारे अंदर भी मैजिक पावर है। उसने बोला 4 घंटे के अंदर अंदर हम जो सोचेंगे यार वो हमारे सामने आएगा। कुछ सोचना मेरे और सिंचन के कपड़े चेंज हो जाए यहाँ पे। बढ़िया सिंचन तेरे और मेरे तो कपड़े चेंज हो गए। अरे फ्रैंकल भैया और कुछ सोच के देखो ना यार, ये तो काफी ओपी पावर है। यहाँ पर एक काफी बड़ी गाड़ी आ जाए वो भी लग्जरी गोल्ड की कार। अरे गाइस देखो यार कितनी बड़ी कार आ गई वो भी गोल्ड की कार। अरे वाह फ्रैंकल भैया यार ऐसी कार तो माइकल के भैया के पास कभी होगी भी नहीं। सिंचन माइकल क्या, माइकल के जितने रिश्तेदार है ना उनके पास भी ऐसी गाड़ी नहीं होगी। और देख सिंचन भाई अपने पास तो काफी यूनिक कार आ गई। अरे फ्रैंकल भैया यार अब तक मुझे लग रहा था फ्रैंकल भैया यार हमारा ना आज का दिन ही खराब है। फ्रैंकल भैया पहले यार पुलिस वालों ने क्या खरीद लिया फिर गाड़ी खराब हो गई। अबे सिंचन पुलिस वालों ने हमारा सामान रख लिया था और फिर उसके बाद गाड़ी खराब हो गई थी। हाँ तो फ्रैंकल भैया जब भी तो मुझे लग रहा था आज का दिन खराब है, लेकिन आज का दिन तो बहुत अच्छा है यार, हमारे अंदर तो सुपर डुपर पावर आ गई फ्रैंकल भैया। तो फाइनली गाइस भी पूरे 4 घंटे बीत चुके हैं और गाइस 4 घंटों के अंदर अंदर देखो सिंचन और मैंने क्या क्या सोचा और हमारे पास क्या क्या गया फ्रैंकल भैया। पहले तो हमने बहुत सारी लग्जरी कार मांग ली। सिंचन भाई काफी सारी कार है और ये काफी महंगी भी कार है। और गाइस यहाँ पर हमने काफी सारा गोल्ड भी सोचा। देखो भाई अपने पास कितना सारा गोल्ड आ चुका है। और फ्रैंकल भैया अपने तो मिल लिया टॉय वाली कार भी मांग दी। ये देखो गाइस काफी सारी सिंचन के लिए मैंने टॉय वाली कार मांगी है, क्योंकि गाइस सिंचन को ना टॉय वाली कार काफी पसंद है, इसलिए भाई मैंने इसके लिए काफी सारी टॉय कार मांग दी। हाँ फ्रैंकल भैया सही कह रहे हो यार, अब तो फ्रैंकल भैया हमारे पास काफी महंगी महंगी कार है। चलो ना फ्रैंकल भैया चलते हैं माइकल भैया के पास। हाँ सिंचन अब चलेंगे माइकल के पास, उसने हमारी बहुत बेइज्जती करी थी ना, अब दिखाएंगे सिंचन उसको। और गाइस ये देखो भाई अपने पास हेलीकॉप्टर भी आ चुके हैं। गाइस ये गाइस अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर है, बस मैंने सोचा कि हेलीकॉप्टर आ जाए तो भाई देखो हेलीकॉप्टर भी आ गए। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस, फ्रैंकल सिंचन आपके भाई तो यार फटाफट गाइस अभी के इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और फ्रैंकल भैया देखो यार इसका तो यार कलर भी चेंज होने लग गया यार हेलीकॉप्टर का। हाँ सिंचन मैं भी वही देख रहा हूँ, काफी यूनिक पावर आ गई। चलो तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस प्यारा वाला बाय।